घर में आके रहती थी, तो क्या पता उसने ये भी बोला है कि ये घर भी उसका है। राखी ने सिर्फ मुझे छोड़ के सब कुछ उसका बता दिया है, कभी ये नहीं बोला कि राश्री मेरी है, राश्री ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है, आज राखी के लिए क्या नहीं किया है, इस वजह से कि वो मुझे धमकियां देगी, मुझे ऐसे निकाल के फेंकना चाहती है, मुझे वो क्या करना चाहती है मेरे साथ, क्यों करना चाहती है। जब मैं उसकी दोस्त थी, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, जब मैं उसकी दोस्त थी तो मैं बहुत अच्छी थी। हाँ, राखी मेरी नहीं, राश्री मेरी माँ है, राश्री मेरी बहन है, राश्री मेरी जान है। जान तो वो इतना बोलती है, यहाँ मुंह करके बोलेगी तू मेरी जान है, तू मेरी जान है, पीट इसको पीट करके इसको बोलेगी तू मेरी जान है, तू मेरी जान है। राखी की तो इतनी जान है ना, मुंबई में, आउट ऑफ मुंबई में, उसको खुद को भी नहीं पता है, क्योंकि उसको लोगों का उपयोग करना होता है। सो इन दैट केस पूरा मुंबई, पूरा आउट ऑफ इंडिया उसकी जान है। मैं कोई बहुत अच्छे मुद्दे पे आ रही थी, बताती हूँ। खीरे मेरे पास रखने के लिए दी थी और पिछले 4-5 दिनों से वो कंटिन्यू मुझसे रिटर्न लेना चाहती है और मैंने उसको नहीं दी है, क्योंकि जिसकी अमानत है ये उसी के हाथ में जाए। राखी ने मुझे इसलिए रखने के लिए दी थी क्योंकि वो आउट ऑफ इंडिया जाती है, आती है। सो इन दैट केस मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, आदिल का पासपोर्ट मेरे पास है। एक बात, नीचे 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 होल्ड रखो ना, होल्ड 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 और पासपोर्ट ही है और पिछले 4 दिन से मुझसे लेना चाहती थी। मुझे पता था ये बहुत वैल्यूबल चीज है, राखी अगर आज ले लेगी कल फिर से मुझ पर इल्जाम दे देगी कि राश्री के पास था, कल को मुझ पर FIR हो जाएगा, जिसकी चीज है आदिल तो सीधा मुझ पर FIR करेगा। तो ये चीज मैं चाहती हूँ, या तो ये चीज आप खुद आदिल को दे दीजिए या आज मैं उसको खुद जुटा देती हूँ। ऊपर से अभी आदिल भी सेम ही चीज बोली है ना उसने, कल या परसों के राश्री को मैंने कॉल किया था, देन राश्री ने सीधा राखी को बता दिया, फिर राखी ने पूरे फटाफट ऑर्गेनाइज किया, अरेंज की, पुलिस आई, फिर आदिल को उठा के लेके गई। मेरा ही तो रोल चल रहा है यहाँ पे, और क्या खुलासे करने हैं, मुझे अपने आप को बचाना है। अब मैं क्यों फंसू इन दोनों के बीच में। लकी पे आते हैं हम, लकी के बारे में बहुत अपने लकी लकी की फोटो देखिए लगता है। नहीं नहीं जी, लाइव में देखा था। ओके गाइस, थैंक यू थैंक यू। जब मुझे लगेगा कि कुछ बताना है मैं जरूर आऊंगी और मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। आज की ये जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी केवल और केवल मेरे लिए थी। तो मैं ये राखी से जो डरी पड़ी हूँ, जो ये मुझे धमकियाँ दे रही है, आप प्लीज पूरे जनता तक पहुँचाइए और मेरी हेल्प करिए। और राखी के पास आदिल की कुछ पर्सनल चीजें हैं जो आप राखी से छुपा कर रखी हैं, क्या आपको उस बारे में आइडिया है? क्लिप ऑफ म्यूचुअल।